दस आटे का नाश्ता, पूरी और मटर का सब्जी और कैंडी का। आज भी बादल बादल है। अरे आज भी बहुत कुछ आयोजन है, ज्यादा कोई दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मटन उस दिन भी दिखाया था कौसा। और आज दोपहर का सिर्फ करेला फ्राई है और ये पामकिन का फूल, इसको मैं आधा बेसन आधा चावल का आटा नमक और हल्दी मिला के पेस्ट बना लूंगी। थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर, ज्यादा नहीं क्योंकि नहीं तो ना तेल में जल जाता है। कालिंजी भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, बच्चे नहीं, हम लोग ना मेरे बच्चे बड़े बिस्टी नहीं खाते। ओके इसमें हाथ लगाना पड़ेगा ही। शाम का तैयारी के लिए मैं एक बैगन कट के रखा था, फ्राई करूंगी। बंगाली बैगन भाजा आज दिखाऊंगी, अच्छा होता है कुछ थोड़ा सा कुरकुरे, तो मैं बोले आज बेसन लेके एक फ्राई कर देती हूँ। थोड़ा सा मोटा है चलेगा। चिकन भी था रेडी, टमाटर है बॉईल करके रख दी। इसका मसाला ये ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें डाल दूंगी मटन को। अरे जगह ही नहीं है मेरा इधर। आज का दोपहर का खाना कैंडी। हमें क्या हाला बोल दो, हम ही हल्ला दी। रात का बहुत कुछ तैयारी हो गया इसलिए ऐसे ही हालत है। मैं थोड़ा सा खाऊंगी, थोड़ा सा फिर बैठूंगी, फिर चावल का तैयारी करूंगी। और प्लेन राइस बनेगा, कश्मीरी पुलाव भी बनाऊंगी। कश्मीरी पुलाव मीठा मीठा होता है ना, हर बार अच्छा नहीं लगता है। देखो और एक को देखो, और एक देखो चूरा के खा रही हूँ। तो खाते खाना फिर मिलते हैं। बहुत गर्म है, कूलर वगैरह चला रहे। आइसक्रीम का तैयारी चल रही है मेहमानों का रात के लिए। ये बेस एक बार बन गया ना, पता नहीं बेस हो गया थोड़ा सा, रात तक जम पाएगी ना पाएगी नहीं पता नहीं। वेनिला एसेंस, पहले बेस तो वेनिला एसेंस ही होता है पता, फिर अलग अलग उसको मिलाना पड़ता है। लेट हो गया बिस्टी, पापा तो चॉकलेट का ही लाके नहीं दिया, एक ऑरेंज बना देती हूँ ना कि, और ऐसे तो वेनिला बने ही जा। उसको बोल जम जाएगी ना 10 बजे तक। 6-7 घंटा तो लगेगा ना, नहीं तो बोलूंगी लास्ट में दूध लेके रख देती हूँ तो कोल्ड कॉफी पिला दूंगी। आइसक्रीम नहीं जमे तो उसको ही खा लूंगी ना, है ना चेंज। देख ऐसे बोलना मत रोज, इसी का एक सबसे ज्यादा पसंद है ना, यही लगा था कि चूरा चूरा के खा ले। सारी तैयारी हो गया, मतलब छोटा मोटा थोड़ा बहुत बाकी है, ऑलमोस्ट तैयारी होगी क्योंकि फिर ना कोई आए उसके बाद तैयारी करना बहुत बेकार लगता है।
हड़बड़ हड़बड़ कर रहे हो, मैं ना आइसक्रीम दिखाना भूल गया, एक ही दिखाऊंगी, अभी ज़्यादा खुलूंगी नहीं, फिर ऐसे ही लेट हो गए, मुँह कितना काला काला लग रहा था, है काला, मुँह काला ही दिखेगी ना। अभी थोड़ा सा आराम करूंगी, थोड़ा सा फिर काम पे लगूंगी, मतलब चावल ही बनाना है, दाल को छोंक देना है, बॉयल करके रख दिया। ये झिलुक का बर्थडे के लिए बना के रखा, ऑरेंज फ्लेवर, जो ऑरेंज फ्लेवर ही बनाया उसका ऑरेंज, उसका आइसक्रीम केक बनाऊंगी, नॉर्मल बना नहीं बनाऊंगी, बहुत टेस्टी होता है, देखो देखो झिनुक बहुत पसंद करेगी। रख दो, ज्यादा खुलो मत क्योंकि फिर जमेगा के लिए, और लेते ले, देखो ओह भगवान, जैसे भूखा आ गई कैंडी, तू ऐसे आके गिरी, दिखा दे वो पेपा पिक जैसा, पेपा पिक, अरे तेरे को ने देखूं कैसे दे? मैं नहीं दिख रही हूँ, कि तुरंत दांत मत दिखा के झिनुक, बाबा रे बाबा रे, घर में ना जितना कुछ परफ्यूम है झिनुक लग, कैंटी लगा लिया क्या बाबा, कितना बास मार रहे, मुझे देख लो, मैं ना अभी बंद करूंगी। टिको दो बाकी है और लिप्टन है, अभी कितना, फिर भी 7 बज गया, सब 9 बजे करीब आ जाएगी, अभी करूंगी दाल छोक दूंगी और बेगिन भाजा का तैयारी करूंगी, चावल भी बन गया ना, ये भी बाकी है, फिर राइस का थोड़ा सा सब्ज वगैरह दे के भुनूंगी। पहले से मैं नमक मिला के रख दिया, इसमें अदरक लहसुन भी मिला सकते हो, मैं नहीं दिया, थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चावल का आटा ना, ऊपर ना थोड़ा सा कुड़कुड़ापन हो जाता है, एक मिला लीजिए, पानी निकल गई, तो चाट मसाला नहीं तो अमचूर पाउडर कुछ भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, देना ही है, थोड़ा सा मतलब खट्टा खट्टा अच्छा लगता है, देखो दोनों लड़ाई कर रही है। हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लेके लगा के छोड़ दूंगी, तब तवे पे फ्राई करना अच्छा होगा, 15 मिनट पहले आने से पहले तवे पे चढ़ा दूंगी, तब क्या गरम गरम मिलेगा एकदम, और अभी ऐसे लगा के रखा तो मसाला भी सब अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ज्यादा चावल होता है ये पानी गर्म करके रखते हैं ना, ऐसे ब्लैक हो गया पूरा, तो छोड़ो बात, जब ज्यादा चावल होता है तब मैं डायरेक्ट फैर मतलब करती नहीं हूँ, पहले नमक दे के चावल के जैसे बॉयल करते हो कर लेती हूँ, फिर ऐसे खड़े मसाले में बड़ा इलायची स्टार और छोटा इलायची डाल दिया, और पहले से जो सब्जी देना है जैसे मेरे पास गाजर और मटर था तो वो थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ऐसे मैं नमक देके चावल जैसे बनाती हूँ बना लिया, फिर अभी इसमें डाल दूंगी, फिर रात करते सारे सब्जी और वो चावल, सबसे पहले आधा दे दिया, वो गर्म है फिर भूल गया, गिर गया रे कैंडी, आधा चावल देने के बाद फिर थोड़ा सा सब्जी दे दिया, फिर बाकी चावल दे दूंगी, फिर आते आते ना पूरा टेबल में रेडी करके गैस वगैरह पोंछ के रख दूंगी, तो अच्छा होगा, थोड़ा बहुत बातचीत करते करते फिर खाना खाऊंगी, नहीं तो ना उसी टाइम सब काम करते करते, नहीं तो होता नहीं है, फिर ना गर्म लग गया, भूल गया था गर्म हो गया, लाल हो गया,
अभी छोड़ो, अभी टाइम नहीं है। इसको अच्छे से सिर्फ मिक्स ही करना। मैं गैस को भी बंद कर दिया क्योंकि चावल को भी पकाना नहीं है, कुछ नहीं है। खुद चावल भी गर्म है एकदम। सिर्फ बैलेंस कर लेंगे थोड़ा सा शक्कर, क्योंकि ये मीठा नहीं होगा। हाँ, किसी को मीठा पसंद है तो दे सकते हो, मुझे तो बिल्कुल ले चावल मीठा पसंद नहीं है। वो पुलाव मुझे मीठा अच्छा लगता है। तो रेडी हो गया मेरा फ्राइड राइस ज्यादा वाला। तो दाल को भी अभी छोंक दे देंगे, मूंग की दाल, तो उसमें नॉर्मली छोंक दूंगी। तेजपत्ता, सूखी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा बोल के ज्यादा ले रही और कश्मीरी चिली पाउडर, घी और सादा मतलब कुकिंग ऑयल जो है वो मिला के करेंगे तो बहुत अच्छा आता है टेस्ट। और मूंग की दाल में थोड़ा सा मीठा डालने से भी अच्छा होता है, तो थोड़ा सा सूखा डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते। बाकी सब दोपहर का खाना फिर से गर्म कर दी हूँ, फिर क्योंकि एक एक करके फिर रखूंगी अभी तेल में। अब कैंडी बार बार आ जाते हैं मुझे परेशान करने। अभी ऐसे तवा पे गरम कर लिया अच्छा खासा, फिर तेल तो ऑलरेडी है, एक एक रख दूंगी, जरूरत पड़े तो फिर ऊपर से लगाऊंगी। वैसे एकदम लाल लाल करके फ्राई हो जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा तेल भी नहीं लगता ऐसे करने से, तो थोड़ा सा बाकी है, इसको हटा के दूसरे दे देती हूँ क्योंकि टाइम हो गया, टाइम आ गया। मतलब पानी निकल गया। देखो जब भी नमक वगैरह गिरता है ना किसी से मतलब कोई भी सब्जी में, इतना सारा पानी निकल जाता है। दीप अंज पापा करो, पापा करो। हाँ हाँ बहुत कुछ है, रोटी है इसमें, अरे खुल जा, सब परवल का सब्जी है, दाल है, चिकन चाप है, मटन। अरे चलो आंटी अब दो नॉनवेज करती हूँ। तो उनको लगा गए कि भाई कुछ नॉनवेज नहीं मिलने वाला। मत सोचो गाइस, ये बहुत पेटू इंसान है लेकिन अंदर से खोख लेते हैं। सारे मेहमान चला भी गया, कितना सा अजीब सा बोलते सारे मेहमान ऐसे, क्यों ऐसे नॉर्मल नहीं बोल सकते थे। ये सारे खाना वगैरह हो गया, मैंने वीडियो करना भूल गया। एक्चुअली मतलब ब्लॉग के लिए नहीं, मतलब जब इधर से जाऊंगी फिर बहुत साल बाद जब देखूंगी तो अच्छा लगता ना, जैसे होता ऐसे होता, ऐसे हम लोग एक साथ बैठ के खा बातों बात करते करते भूल गए, बिल्कुल भूल गए। सो खाना जो बचा था सब डब्बे में कर लिया, फ्रिज में रखूंगी। ये वगैरह सारे सब कल चेंज करूंगी, आज है नहीं मूड। कल ऐसे जन्माष्टमी है, उसके लिए तो फास्टिंग रहना है, भूखी पेट काम करोगी तो भूख नहीं लगेगी। सब इधर ही है सारे वो सब कल करूँगी, कल कल। अब जो करना है पानी भरना है, अब ऐसे फ्रिज में रखना है, थोड़ा 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 करके बच गया, ज्यादा नहीं बचा।
थोड़ा सा तो बच ही गया, थोड़ी पूरा माप से थोड़ी होगी। लाइट बंद हो गई। मुझे ऐसे ना मतलब ये सब करना बहुत अच्छा लगता, मतलब हर दिन नहीं, हर दिन बोलेगी तो कोई भी नहीं, मतलब मैंने भी एक दो बार एक साथ ऐसे खाना बना के खाना इतना अच्छा लगता है ना। कोरोना से पहले तो फिर भी हम लोग सोचते मतलब सारे एक साथ बैठ के एक एक डिश ला के खाते थे, कोरोना होने के बाद पूरा ही बंद हो गया, जरा जरा फ्रिज में रख देते सारे। आज का वीडियो इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कल नया ब्लॉग के साथ। कल तो जन्माष्टमी बहुत स्पेशल है, देखते हैं कुछ बनाने के मतलब सोचा हो नया नया कुछ, घर में बैठ के अब क्या क्या नया बनाओ। तो फिर भी जितना हो जितना जैसे भी हो सब खुश रहो। ब्लॉगिंग एक्चुअली में ना ऐसे ही सोच के किया जी, मैं जब देखूंगी मतलब बहुत साल बाद कोई देखे नहीं देखे, मैं जब देखूंगी तब सब कुछ मतलब बूढ़े होने के बाद याद आए, जैसे ऐसे मैं करती थी ऐसे है, मैं तब भी खुश रहूंगी अभी भी खुश। तो चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं कल नया ब्लॉग के साथ। बाय, लाइक वन।